अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी अली काम। दोस्तों आज ये एक मेरे पास रिसीवर आया है, डेड रिसीवर है, न्यू सेट हाइपर रिबॉर्न, और मैं इस पे काम कर रहा था तो फॉल्ट ट्रबल शूटिंग मैंने इसकी कर ली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसका जो है फॉल्ट शेयर कर दूं। ये इसके बोर्ड पे दो रेगुलेटर लगे हुए हैं, जिनमें से ये राइट साइड वाला जो रेगुलेटर है ये 1.8 का रेगुलेटर होता है और इसका ये खराब था। ये 1.8 सिस्टम आईसी को जा रहे होते हैं और जो फ्लैश आईसी को 3.3 जा रहे होते हैं, ये साथ एक रेगुलेटर लगा हुआ है और ये 1.3 का साइड पे रेगुलेटर लगा हुआ है। तो इसका बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाइपर रिबॉर्न के नाम से भी आया है, इकोलिंक 750 के नाम से भी आया है, ये HSP06C05-A वाला बोर्ड है और इसका मैं रेगुलेटर रिप्लेस कर चुका हूँ। इसमें पहले ये अभी भी बिल्कुल जो है डेड कंडीशन में है। इसकी एक और रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो भी हम की प्रेस करते हैं तो इसके फ्रंट पे जो है हमें लाइट्स ग्लो करती हुई दिखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो की इसका फ्रंट पैनल है उस पे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से इसका जो है LED डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा, ये इसका रीजन है। इसमें क्योंकि किसी ने सॉफ्टवेयर ट्राई किया था वो सही नहीं किया, तो अब मैं इसमें सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये है जी दोस्तों, मैंने इसमें सॉफ्टवेयर किया है, इसकी डम फाइल चढ़ाई है, तो ये बिल्कुल ओके हो गया रिसीवर। अब देखें बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है। ये मैंने आपको बताया इकोलिंक 750 जादू बॉक्स है, उसमें भी सेम बोर्ड लग के आता है। कुछ और भी हैं मेरे ख्याल में, उनमें भी ये सेम बोर्ड यूज होता है। तो इसमें जो फॉल्ट था ये 1.8 का जो 1117 SMD रेगुलेटर लगा होता है, ये 1.8 नहीं निकाल रहा था। समटाइम ऐसा होता है कि इसमें जो फॉल्ट था ये 1.8 की बजाय 2.4 निकाल रहा था। समटाइम ऐसा होता है ये बिल्कुल कुछ भी नहीं आउट कर रहा होता, तो ये इसमें रीजन होती है। मैंने इसको रिप्लेस किया और ये 80% जो है इस बॉक्स में 80% यही फॉल्ट आता है। इसका फ्रंट मैंने खोला था, ये देखें इसका डिस्प्ले भी आ रहा है और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसका फ्रंट मैंने खोला था ताकि देख लिया जाए कि कोई LED सेगमेंट पे भी कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो। तो ये थी दोस्तों, ये था ट्रिक आज का। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.kazmielecom.com। इस वेबसाइट पे मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, LCD LED के सॉफ्टवेयर, रिसीवर्स की डम फाइल और इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन रखी हुई है। आप वहां से बआसानी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, ये तमाम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं।